तो डेफिनेशन यही है कि कोई भी मूवेबल हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, वो जब अल्लाह के नाम पे वो प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस में वो डोनेट कर देते हैं, तब हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लूटस आईएएस। आज मैं अस्मिना आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है एंड कैसे ये वक्फ बोर्ड वक्फ जो एक्ट है इसको कैसे हैंडल करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्टली हमें ये जानना पड़ेगा कि वक्फ जो एक्ट है ये एक्ट मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है और ये एक्ट डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। सो इसका जो मीनिंग है इसका मैं आपको बताती हूँ, ये एक अरबिक वर्ड है। सो इट्स अ अरबिक वर्ड एंड इसका मीनिंग है कन्फाइनमेंट और प्रोहिबिशन। सो इसका जो मीनिंग है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, कन्फाइनमेंट और प्रोहिबिशन है, ठीक है इसका जो मीनिंग है। उसके बाद आइए जानते हैं इस एक्ट की डेफिनेशन क्या है। सो द वक्फ एक्ट डिफाइंस वक्फ एज एन एंडोमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। सो इसका मतलब है अगर कोई भी मुस्लिम वो अपना जो प्रॉपर्टी है वो डोनेट करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर गॉड, मुस्लिम्स गॉड अल्लाह, तो ये प्रॉपर्टी डोनेट जब ही करते हैं वो प्रॉपर्टी आप उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहते हैं, वो हो जाते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। सो आई थिंक दैट इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस एक्ट का डिफाइन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो डेफिनेशन यही है कि कोई भी मूवेबल हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, वो जब अल्लाह के नाम पे वो प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस में वो डोनेट कर देते हैं तब हो जाते ये वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये वक्फ एक्ट जो है ये प्रॉपर्टी को तब संभालते हैं, ठीक है। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग डोनेट करते हैं उनको हम कैसे जानते हैं, तो ये प्रॉपर्टी वो लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री करके वर्बली नहीं, रिटन फॉर्म में इसका प्रूफ सबमिट करते हैं वक्फ बोर्ड में, सबमिट करते हैं वक्फ बोर्ड में। तो अंडर वक्फ एक्ट ये तब वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है क्या कि कोई भी ऐसे वक्फ जिसने प्रॉपर्टी डोनेट किया, अगर उनका कुछ ऐसे कोई बेटा या कोई आकर बोले कि ये मेरी पापा की प्रॉपर्टी है या हमें चाहिए, तो वो वापस नहीं ले सकते, ठीक है। वो जब एक बार वो डोनेट हो गया तो हो ही गया। तो अब आते हैं इस एक्ट की बैकग्राउंड क्या है, इंडिया में ये पहले बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी। तो देखिए, इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ वक्फ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली डेज ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में बैक जाइए, यहाँ पे वेन सुल्तान मुइजुद्दीन साम घोर डेडिकेटेड टू विलेजेस इन फेवर ऑफ द जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान एंड हैंडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू शाइखुल इस्लाम एज द दिल्ली सुल्तानेट एंड लेटर इस्लामिक डायनेस्टीज फ्लोरिस्ड इन इंडिया, द नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज केप्ट इंक्रीजिंग इन इंडिया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में सुल्तान मुइजुद्दीन ने क्या किए थे, दो गांव, टू विलेजेस वो डोनेट कर दिए थे जामा मस्जिद पर्पज़ में मुल्तान, जो मुल्तान अभी इंडिया के बाहर है,
एंड हैंडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू शैखुल इस्लाम। एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जामा मस्जिद मुल्तान में जामा मस्जिद क्रिएट हुआ था, इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हैंडल कौन करते थे? शैखुल इस्लाम एज द डेली सुल्तानेट एंड लेटर इस्लामिक डायनास्टीज फ्लोरिश्ड इन इंडिया। सो जितना दिन निकलते रहा उतना वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंक्रीजिंग हो रही है। तो ए एक्ट इंडिया में 1913 में ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इसका एक सॉल्यूशन एडॉप्ट की गई थी, एडॉप्टेड। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वक्फ एक्ट 1954 में। जब प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू सर, उनके टाइम पे वक्फ एक्ट जो पास हुआ था वो है किस लिए? पैथवे टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वक्फ। तो ये वक्फ को, जो वक्फ प्रॉपर्टी को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए, ठीक है। इस टाइम वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। तो वक्फ जो, ये जो एक्ट है, ये जो बॉडी है वक्फ, जो इट ए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये आपको सिर्फ आ सकती है प्रीलिम्स में। तो वक्फ एक्ट इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये इसका जो सेक्शन है वक्फ एक्ट में, सेक्शन नंबर नाइन सब क्लॉज ए, 1954 में सेक्शन नंबर 9 सब क्लॉज 1 में ये वक्फ एक्ट 1954 की बारे में चर्चा की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है कि ना वक्फ एक्ट 1995। तो द वक्फ एक्ट 1995 वाज इनेक्टेड टू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। It provides for the power and function of the Wakf Council, the state Wakf boards and the chief executive officer and also the duties of mutawwalis. आइए स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि मुतवलीज जो है ये कौन है, ये कौन लोग मुतवलीज बनते हैं, ठीक है। तो ये जो मुतवलीज हैं ये एक्चुअली वक्फ की जो वक्फ जो बोर्ड है इसका जो मेंबर्स होते हैं उसमें से जो मैनेजर पोस्ट में रहते हैं, ठीक है ना, वक्फ प्रॉपर्टी को एक्चुअली मैनेज करने के लिए, तो उन लोगों के हम बोलते हैं मुतवलीज। तो ये जो एक्ट है 1954 में, ये मुतवलीज के जो ड्यूटीज़ है वो भी इस एक्ट के दौरान फिक्स्ड की गई है। दिस एक्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पावर एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल that acts in lieu of a civil court under its jurisdiction. The Wakf tribunals are deemed to be a civil court and required to exercise all the powers and functions exercised by a civil court under the Code of Civil Procedure CPC 1908. The decision of a tribunal shall be final and binding on the parties. The Wakf Act was made even more favorable to Muslims in 1995. A point to be noted. This act was more favorable to Muslims in 1995, which made it an overriding law. I think इतना तक आप लोगों की क्लियर होगा। आप जानते हैं how many properties does the Wakf Board control? मतलब टोटल कितना प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की अंडर में, ठीक है। ये है वक्फ बोर्ड्स करेंटली कंट्रोल 8.7 लाख प्रॉपर्टीज,
8.7 lakhs मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, ठीक है, जो कि ना अगर हिसाब करा जाए तो स्पैनिंग 9.4 लाख एकड़स अक्रॉस इंडिया विद एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 1.2 लाख करोड़। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिया के पास है। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकती है कि क्या ऑल कंट्रीज में वक्फ बोर्ड है? आइए जानते हैं, डू ऑल द इस्लामिक कंट्रीज हैव वक्फ प्रॉपर्टीज? नो, नॉट एट ऑल, नॉट ऑल द इस्लामिक कंट्रीज हैव वक्फ प्रॉपर्टीज। इस्लामिक कंट्रीज सच एज टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनिशिया एंड इराक डू नॉट हैव वक्फ। ये जो मेंशन कंट्रीज है, ये सब मेंशन कंट्रीज में वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिया में है, हमारी जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पे भी है, अफगानिस्तान में है, एंड बांग्लादेश में, मिडिल ईस्ट की कंट्री में, इस टाइप का कुछ कुछ कंट्री में है, बाकी इंडिया में तो है ही। एंड ये जो कंट्री है, ये भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम डोमिनेंस कंट्री है, दो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये था आज टोटल आप लोगों की हमारी जो डिस्कशन है, टोटल यही था कि ये एक्ट क्या है और इस एक्ट की जो बैकग्राउंड था वो क्या था, एंड ये एक्ट और कहाँ कहाँ पे है, और इसका जो वर्क प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ पे है, तो मैंने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस की। आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप हमारी चैनल पे जुड़े रहें और हमें लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और आप लोगों की और मोटिवेशन करने की मौका दी। थैंक यू सो मच।